ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हरियाणा के कृषि मंत्री ओपी धनखड़ अमेरिका के दौरे पर हैं। हरियाणा कृषि विभाग के अधिकारियों का एक प्रतिनिधि मंडल भी उनके साथ मौजूद है। कृषि मंत्री अमेरिका के कई शहरों का दौरा कर वहां की खेती बाड़ी में इस्तेमाल हो रही तकनीकों की जानकारी ले रहे हैं। अमेरिका दौरे पर गए हरियाणा के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने वॉशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक के अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान ओम प्रकाश धनखड़ ने वर्ल्ड बैंक के अधिकारियों से हरियाणा में कृषि क्षेत्र में विकास की योजनाओं पर चर्चा की। वर्ल्ड बैंक के साथ जो हमारी मीटिंग हुई उसमें दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हुई है। इसमें एक क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर एंड क्लाइमेट स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट, और जिस तरह की आपदाएं पिछले 2 साल में हमने झेली हैं, गेहूं की फसल पर जो आपदा आई उसके कारण से हरियाणा सरकार को 1092 करोड़ रुपए पे करने पड़े किसान भाइयों को मुआवजा, और 967 करोड़ रुपए हमने जो सफ़ेद मक्खी आई कपास पे उसके लिए दिया। जो क्लाइमेट चेंज दुनिया में हो रहा है तो सभी देश अभी इस रास्ते पर चल रहे हैं कि किस तरह से हम क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर करें और किसान भाइयों को इस प्रकार के उससे नुकसान नहीं हो। उसमें एक स्टेप हमने शुरू कर दिया हरियाणा में फसल बीमा योजना, जिससे किसानों को जोखिम ना उठाना पड़े। अगर कोई आपदा आती है तो उसका जोखिम जो है कंपनियां उठाएं और किसान केवल अपना 1-2% मुआवजा, वो जो बीमित राशि का केवल 2% दें, बाकी का पैसा राज्य सरकार और केंद्र सरकार दे रही है। वॉशिंगटन डीसी में MH1 न्यूज की रिपोर्टर प्रीति जोशी के साथ बातचीत में ओपी धनखड़ ने बताया, हरियाणा एक मॉडर्न एग्रीकल्चर स्टेट है और हम वर्ल्ड बैंक के सहयोग से हरियाणा को हॉर्टिकल्चर स्टेट में बदलना चाहते हैं। इसी तरह से हम जो पैरी अर्बन पर जो बढ़ना चाहते हैं उसमें भी वर्ल्ड बैंक ने बड़ी अच्छी रुचि दिखाई है, क्योंकि अभी तक हरियाणा एक मॉडर्न एग्रीकल्चर स्टेट है, हम उसको मॉडर्न हॉर्टिकल्चर स्टेट में बदलना चाहते हैं। हमने टारगेट रखा है कि पहले 10 साल में अपनी 25% भूमि को हम जो है हॉर्टिकल्चर के लिए ले आएँ और उसमें फ्लोरिकल्चर, उसमें फलों की खेती, एक अच्छी बड़ी मंडी हम बनाने जा रहे हैं 600 एकड़ में, जो फ्रांस की रंगीस मंडी के बराबर की होगी, और एक फूलों की मंडी खोलने जा रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि दिल्ली की जो मार्केट है NCR की और गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, ये सारा मिलाकर हरियाणा इनको फ्रेश सब्जियां, ताज़ा फूल, ताज़ा फल, डेयरी प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री प्रोडक्ट, फिशरीज, वो उपलब्ध कराए। इसके लिए एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमने अपनी केंद्र सरकार से बात भी की और कल वर्ल्ड बैंक पर भी बात की है, और वर्ल्ड बैंक ने इस विषय पर बहुत अच्छी रुचि दिखाई है। उन्होंने कहा है कि आप अपनी डिटेल प्लानिंग भेजेंगे तो निश्चित रूप से क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर और पेरी अर्बन कंसेप्ट के लिए जो हरियाणा सरकार का विजन है उसके लिए हम आपके साथ काम करने को तैयार हैं। ओपी धनखड़ ने बताया कि अमेरिका के कृषि विभाग के अधिकारियों से हमारे डेलीगेशन की बातचीत हुई है। उन्होंने बताया कि इससे हरियाणा के कृषि उत्पादों को अमेरिका में निर्यात का बढ़ावा मिलेगा। के साथ ही फिर USDA अमेरिका का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसमें भी हमारे डेलीगेशन की उनके उच्च अधिकारियों से वार्ता हुई है। हमारे यहाँ से बासमती चावल बड़ी मात्रा में हम जो है यहाँ पर निर्यात करते हैं, अमेरिका में वो आयात होता है। अमेरिकाओं के करनाल जिले से हमारे जो है और उसके आसपास के इलाके से त्रावड़ी का हमारा सबसे बेस्ट चावल है, तो ये इस इलाके का जो चावल यहाँ आता है, आगे भी इसी तरह से हमारा अमेरिका के साथ जो है वो व्यापार का, कृषि उत्पादों के व्यापार का संबंध और अच्छा हो, किसी प्रकार की कठिनाई हमारे किसानों